बात, वैसे मुझे किसी भी कंपनी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि कई लोग अक्सर इनको कंपेयर करते हैं चीजों से, जबकि कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज तक अगर 30 साल से कंपनी चल रही है तो लीगल में सारी चीजों में कंपनी ने अपने कमिटमेंट कम्प्लीट किए हैं, जहां पे भी जरूरत पड़ी है गवर्नमेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंपनी ने दिए हैं, हर चीजों को कंप्लीट करते हुए पिछले 3 साल से चल रहे हैं, तभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया ना। वर्ल्ड अगर पूरे भारत में हम लोग 10 लाख लोग काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं, करोड़ों रुपए के टैक्स भर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं सरकार को नहीं पता चल रही है, सारी चीजें सरकार को पता है, सरकार के नॉलेज में है, कई जगहों पे हमें डॉक्यूमेंट्स भी मांगा गया, हमने सबमिट किया है वो सारी चीजें। तो पिछले 3 साल से अगर हम काम कर रहे हैं तो एक बात तो समझने की जरूरत है कि ऑक्सीन पूरी तरह से लीगल है, जितनी भी ऑथोरिटी की जरूरत थी हमें सर्टिफिकेशन लेने की वो सारी चीजें हम ले रखे हैं, और भी अगर आगे कुछ जरूरत पड़ती है तो वो भी हम लोग ले लेंगे, और कहीं पे भी कंपनी जाने वाली लीगली तो कोई इशू आने वाला है नहीं, इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। सिस्टम से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हर हमेशा चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, टेक्नोलॉजी में मोबाइल में भी इशू आते हैं, अपग्रेड करते हैं एप्लीकेशन उसमें भी इशू आते हैं, ऐसा नहीं कि फेसबुक गूगल या जितनी भी चीजें उसमें इशू नहीं आती है, उसमें इशू आती है या क्रैश होता है, एप्लीकेशन में यूज करना छोड़ते हैं फिर बाद में यूज करते हैं, तब तक वो इशू सॉल्व हो चुका होता है। सेम ऑक्सीन आईटी कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि आज प्रॉब्लम आया तो कल सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व होगा, आगे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, नए अपग्रेडेशन हो सकते हैं, नए सर्वर कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, साइट कभी कभी स्पीड स्लो भी होगी, कभी कभी पूरा फास्ट, अभी तो फास्ट हो चुका है, अभी तो इशू नहीं रह गया ना, बीच में थोड़ा सा काम मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पा रहे थे चीजों के लॉकडाउन के कारण, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई। तो एक डिजिटल पार्ट के ऊपर मैं बात किया कि पे आउट जो है वो विड्रॉल 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सबके लिए ओपन रहने वाला है, सब लोग विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल लगा सकते हैं हर महीने के 1 से 20 तारीख को। कंपनी 10 दिन का टाइम रख रही है, 21 से 30 तारीख तक सारा डेटा एनालाइज करने का कंपनी काम करेगी, और ये डेटा एनालाइज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग बैंक अकाउंट जहां एंट्री करना होता है वहां पे हमने आईएफएससी कोड का तो फिल्ट्रेशन लगा रखा है, लेकिन बैंक अकाउंट के जगह लोग क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, पेटीएम अकाउंट डालते हैं, एयरटेल का अकाउंट डालते हैं, उसके बाद लोन अकाउंट डालते हैं, तो मतलब इस तरह की समस्या जो है उसको कैसे फिल्ट्रेशन लगाया जाए, क्योंकि अलग अलग बैंक के अकाउंट है, और अगर एक साथ में हम लोग जो बल्क पेमेंट सिस्टम से काम करते हैं, यहाँ पे आईएमपीएस वाला फैसिलिटी तो नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन 2 महीने बाद ही कंपनी आईएमपीएस, क्योंकि बिजनेस में लॉजिक ही नहीं है आईएमपीएस वाले सिस्टम का, सिर्फ एक रिजर्व बैंक और बैंकों ने एक बल्क पेमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, उसी सिस्टम से बड़े बड़े कंपनीज के सैलरी क्रेडिट होते हैं या पे आउट रिलीज होते हैं, वो बल्क सिस्टम से जो है ई नेट फैसिलिटी जिसको बोला जाता है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। जब एक साथ में 10,000 लोगों का डेटा अपलोड करते हैं और उसमें अगर 500 लोगों का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, किसी चीजों में मैचिंग में प्रॉब्लम है तो सारा डेटा रिजेक्ट होकर आ जाता है। इसीलिए हमें एक टाइम चाहिए होता है, या कई लोगों का ऐसा भी इशू आता है कि पे आउट उस समय तो क्रेडिट हो जाते हैं सिस्टम से, लेकिन 4 दिन बाद या 5 दिन बाद फिर से वो रिवर्स आता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड नंबर डाला हो, अलग अलग पेटीएम नंबर डाला हो, इसकी वजह से रिटर्न आता है, तो यहाँ पे आउट अप्रूवल हो गया और उसको पे आउट क्रेडिट नहीं हुआ, कई लोगों का ये भी इशू आता है। तो ये सब इशू क्यों आते हैं? क्योंकि एक टाइम लाइन नहीं मिलता है उसको एनालाइज करने के लिए, डेटा चेक करने के लिए, या अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए सबको टाइम नहीं मिल पाता है, एक बार प्रोसेस कर दिया फिर वो फेल होता है, कई लोगों का कंप्लेन आता है, कस्टमर कंप्लेन बनता है, टिकट बनाते हैं, तो वो चीजें ना हो और आगे और संख्या बढ़ेगी ही हमारी। तो आज अगर 10 लाख है, कल 25 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, करोड़ों में होंगे। अब तो आपको 2 बिजनेस मॉडल के पावर है, बीएमकॉइन के भी पावर है और डिजिटल के भी पावर है, जिसको मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए ये 30 डेज का टाइमलाइन रखा हुआ है कि जो भी टास्क कंप्लीट होगा उसका पैसा जो क्रेडिट होगा 1 से 20 तारीख तक कभी भी विड्रॉल लगा सकते हैं, 21 से 30 तारीख तक के बीच में सारा डेटा प्रोसेस होगा, और 1 से 7 तारीख को हर महीने के पैसे आ जाएंगे, जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है या बाकी कंपनी सैलरी दे रही है उसी हिसाब से इसका पैसा भी क्रेडिट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? मैं जो हो सकता है थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो तो कौशिक जी इसको क्लियर करेंगे, बाकी टीम मेंबर्स भी क्लियर करेंगे, कुछ अगर समझ में ना आए तो क्लियर कर देंगे आपको, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी भावनाएं समझ में आ रही है। यस सर। अब बात करेंगे रेफरल वाले पार्ट पे, डिजिटल वाले तो क्लियर हो गए, अनलिमिटेड विड्रॉल दे सकते हैं, और अभी जो कंडीशन आया है, जो पहले
वो टोटल लगभग 5 से 6 लाख लोगों का पे आउट है, जिसे प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए कंपनी को। इसीलिए कंपनी जहां जहां भी प्रोग्राम करेगी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि 30 to 90 डेज के अंदर में 13 सितंबर तक के सारे पेमेंट सब लोगों को रिलीज हो जाएंगे। और ये पे आउट रिलीज कैसे होंगे, जो क्वार्टर वन मतलब जो 90 दिन पहले ज्वाइन किए हैं पहला पार्ट में उनका आ जाएगा, 90 से लेकर 6 महीने तक जो लोग ज्वाइन किए दूसरे पार्ट में उनका आ जाएगा। क्योंकि पहले नए लोगों का आ जाएगा तो क्या है परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि पुराने लोगों को तो ऑलरेडी बहुत सारे दे चुके हैं तो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं। तो इसीलिए 30 to 90 डेज का जो प्रोसेस रखा है कि पहले फर्स्ट क्वार्टर में जो ज्वाइन हुए हैं उनका आ जाएगा, सेकेंड क्वार्टर वाले को उसके बाद आ जाएगा, थर्ड क्वार्टर वाले को उसके बाद आ जाएगा, तो ऐसा करके प्रोसेस चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इशू नहीं रहेगा। दूसरा, अगर किसी का भी होल्ड होगा तो मान के चलो कि 2 अगस्त के बाद में अगर 5 या 6 अगस्त का विड्रॉल होगा और 30 सितंबर तक की बात करें तो सिर्फ 1 महीने का आपका होल्ड है, वो भी होल्ड इसलिए कि लॉकडाउन के कारण वो चीजें होल्ड हुई है और ज्यादा लोगों का है इसलिए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होने वाले, इसलिए थोड़ा होल्ड करता होगा, जिसे 30 to 90 डेज के अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा। और यहां से जो पे आउट की विड्रॉल की सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो जनरल जो लोगों ने विड्रॉल नहीं दिया है वो आज से भी विड्रॉल मार सकते हैं, कल से भी विड्रॉल मार सकते हैं, क्योंकि आज 19 और कल 20 है। जो विड्रॉल आज से कल तक आएंगे वो 1 से 7 तारीख के बीच में प्रोसेस हो जाएंगे बैंक अकाउंट में आने के लिए। ऑलरेडी अभी रेफरल वाले में लाइव हो चुका होगा, आप देख पा रहे होंगे, डिजिटल वाले में लाइव हो चुका होगा, डीडीसी बल पीसी का बैंक का ऑप्शन अभी लाइव हो चुका होगा और अभी काम कर रहे हैं सिस्टम में हमारी आईटी टीम, तो हो सकता है 2-3 घंटे में वो भी चीजें लाइव हो जाए, तो आज और कल आप विड्रॉल लगा सकते हैं और वो 1 से 7 को प्रोसेस हो जाएगा, सभी के अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे और पुराने वाले जो पेमेंट है 30 to 90 डेज के अंदर वो भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे और यहां से हम लोग रेगुलर सिस्टम बेस पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसका पैसा डूब गया है, उसका पैसा